हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो की बजाय इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव ओवन्स का तारफ़ करवाना चाहता हूं और ये बताना चाहूंगा कि माइक्रोवेव ओवन कितनी किस्म के हैं, इनसे हीट किस असूल के तहत हासिल की जाती है, और स्पेशली जो है आपको तारफ़ करवाऊंगा कन्वेक्शन ओवन का कि कन्वेक्शन ओवन क्या है और इसके काम करने का क्या तरीका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो व्यूअर, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हीट के तीन मेथड होते हैं जिसमें रेडिएशन और कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है। तो आपको ये बताऊं कि आम तौर पर जो हमारे घरों में माइक्रोवेव ओवन आते हैं वो रेडिएशन के ही अमल पर काम करते हैं। तो इसके अंदर जो ओवन की अकसाम हम कहते हैं तो ये तीन किस्म के ही ओवन होते हैं। एक होता है सोलो ओवन, एक होता है ग्रिल ओवन और तीसरी किस्म होती है कन्वेक्शन ओवन। ये मेरे पास डॉलेंस का कन्वेक्शन ओवन पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ। तो सोलो ओवन जो होता है ये बेसिकली आपका जो माइक्रोवेव ओवन होता है ये वही ओवन होता है, इसको सोलो ओवन कहते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने फूड को गर्म करने का काम करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ग्रिल ओवन। आप अक्सर कहते हैं जी ये ग्रिल वाला ओवन है, ये खाली माइक्रोवेव ओवन है। तो ग्रिल ओवन जो है ये एक रेगुलर माइक्रोवेव ओवन के तौर पर काम करता है और इसके अंदर जो है आप बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। और इसके अंदर जो इसकी कोयलें होती हैं, जो इसका हीटर होता है वो ग्रिलिंग का काम करता है, वो रोस्टिंग का काम करता है, वो टोस्टिंग का काम करता है। और इस तरह आप इसको इस पे ग्रिल कर सकते हैं चीज़ों को, जैसा ग्रिल का मकसद है कि चीज़ को ग्रिल करना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कन्वेक्शन ओवन। तो आपको ये बताऊँ, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कन्वेक्शन का मतलब क्या है। कन्वेक्शन का, जैसा कि नाम ही कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन का मतलब ही ये है कि नकलो हमल करना। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ओवन है, यानी कन्वेक्शन एक ऐसा ओवन है जिसमें हीट जो होती है वो अपनी जगह से ट्रैवल करती है, यानी कि वो नकल मकानी करती है। कन्वेक्शन जैसा कि उसका नाम है तो कन्वेक्शन ओवन एक ऐसा ओवन है, आप समझ लें कि जिसमें हीट जो है ट्रैवल करती है। ये असल में जो कन्वेक्शन ओवन है ये एक किस्म का जदीद किस्म का तंदूर है। ये ऑल राउंडर ओवन होता है और इसमें आप डीप रोस्टिंग कर सकते हैं, इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं, आप हीटिंग हासिल कर सकते हैं, आप इसमें बेकिंग कर सकते हैं, आप रोस्टिंग कर सकते हैं, जबकि एक आम ओवन में सिर्फ आप गर्म कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन ओवन, जो ग्रिल वाला ओवन भी कम्बिनेशन ओवन चलाता है, लेकिन याद रखिए वो कन्वेक्शन ओवन नहीं होता। उसमें आप टेम्परेचर को फिक्स नहीं कर सकते। इस ओवन के अंदर आप अपने टेम्परेचर को फिक्स करके एज ए भट्टी का काम इससे ले सकते हैं। और इसमें यही एक चीज़ है कि इसके अंदर जो हीट होती है वो कन्वेक्शन ओवन के अंदर जो इसके हीटर लगे हुए हैं उस हीट को एक पंखे की मदद से, एक पंखा उस हीट को उस फूड के चारों तरफ उसको बराबर जो है हीट फ्राहम करता है। और इसको टेम्परेचर आप जहाँ पे रखेंगे कि अगर आपकी एक चीज़ 180 टेम्परेचर पर, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप पकाना चाहते हैं तो वो ओवन जब आप कन्वेक्शन पे यूज़ करेंगे तो वो 180 टेम्परेचर को बरकरार रखेगा। जब ज़रूरत होगी फ़ैन उसको हीट देगा, सप्लाई करेगा, और जब ज़रूरत होगी खाली फ़ैन चलेगा और आपके हीटर वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। इस तरह ये फ़ैन ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन ऑफ होता रहता है। तो बेकिंग ओवन जो ग्रिल वाला ओवन होता है और माइक्रोवेव ओवन के बाद जो कन्वेक्शन ओवन है ये यही वो ओवन है जिसके अंदर आप एक पिज़्ज़ा इस तरह बना सकते हैं जिस तरह वो किसी मार्केट में शॉप से बना होता है। और आप प्रॉपर केक अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी इसी ओवन के अंदर बनता है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। अब मैं आपको इसका बता दूँ कि ये डॉलर्स का जैसे ओवन है मेरे पास, तो आप देखें
इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें कि इसके अंदर एक तो माइक्रोवेव इसका मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है, ये खाली मैग्नेट्रॉन का काम करता है। ये आप देखें यहाँ पे कुकिंग है, वेट के हिसाब से भी है, ये कन्वेक्शन का इसका ऑप्शन है, और ये माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन का ओवन है ऑप्शन है, सॉरी ये ग्रिल का ऑप्शन है, ये माइक्रोवेव प्लस ग्रिल का ऑप्शन है, यानी इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ों को चला सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके इस तरफ, जैसा कि आपको खुले ओवन पहले दिखाए हैं कि इसके इस साइड पर मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है, तो अगर आपने माइक्रोवेव चलाना है तो माइक्रोवेव चलेगा। ये हीटर जिसके अंदर लगा होता है हम इसको ग्रिल कहते हैं, ये सिर्फ एक खाली हीटर है, आप इसको टाइम के लिए चला देते हैं, ये हीट नीचे देता है, इसको कहते हैं ग्रिल। लेकिन एक तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कन्वेक्शन, तो इसके ऊपर जो है एक दो इसके कन्वेक्शन रॉड लगे हुए हैं, वही रॉडों को एक फ़ैन इसके अंदर चलता है, वो फ़ैन जहाँ से इसको हवा देता है, हवा जो है इसके चारों तरफ मूव करती है, यानी वो हीट को ट्रांसफ़र करता है, उसको ट्रैवल करता है और उसको चारों तरफ से प्रॉपर देकर हीट देकर उसे प्रॉपर पकाने का काम करता है। और इस ओवन के अंदर चीज़ पकी हुई बिल्कुल ऐसे ही पकती है जैसे एक भट्टी के अंदर पकी हुई है। तो ये आज की इंफॉर्मेशन जो है यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हर एक को नहीं होते। तो आप याद रखें कि अगर आपने बेस्ट ओवन लेना है तो आप अपने घर के लिए कन्वेक्शन ओवन लें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।